नमस्कार फ्रेंड्स, एक महीने में तीन ग्रहण पड़ रहे हैं। ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि खाना ना खाएं। आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूं। आयुर्वेद जो कि वेदों का ही हिस्सा है और जो कि बहुत डिटेल में बताता है कि किस तरह के खाने होते हैं, कितने तरह के होते हैं, किस समय क्या खाना खाना चाहिए और खाने का हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे और हमारी सोच पे क्या असर होता है। अब आयुर्वेद ने खानों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, तामसिक और सात्विक। लोग अक्सर ये समझते हैं कि सात्विक खाना वेजिटेरियन है और तामसिक खाना जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से वेजिटेरियन खाने भी हैं जो कि तामसिक की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि लहसुन। सात्विक खाना भी जो है, अगर सही से उसका सही टेम्परेचर पे ना रखा जाए या उसको काफी देर तक कंज्यूम ना किया जाए तो वो तामसिक की कैटेगरी में आ जाता है। हम जो खाना खाते हैं उसका असर सीधा हमारे शरीर और स्वास्थ्य पे तो होता ही होता है, पर हमारी सोच पे भी होता है। अब जब ग्रहण पड़ता है तो उस समय का जो माहौल होता है, उस समय का जो वातावरण होता है, उसमें जो है बैक्टीरिया जल्दी से डेवलप हो सकते हैं। उस समय जो है खाना जो है वो बहुत जल्दी डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट मतलब उसमें जो उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं, उसमें जो पौष्टिक उसके जो तत्व हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो सात्विक खाना है उसमें तामसिक क्वालिटीज जल्दी डेवलप हो जाती हैं। और जैसा मैंने कहा कि जिस तरह का हम खाना खाते हैं उसका असर हमारी सोच पे और हमारे शरीर पे भी होता है। और तामसिक खाने का असर इतना पॉजिटिव हमारे शरीर पे, खास करके हमारी सोच पे नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान खाना ना खाएं। अब ये भी कहा जाता है कि खाने पे जो है तुलसी का पत्ता जरूर रखें। देखिए, तुलसी के बारे में मैंने बहुत से अपने वीडियोस में बताया है और आप सब लोग जानते भी हैं, तुलसी को हमारे यहाँ देवी का दर्जा दिया गया है। तुलसी के पत्ते में बहुत सी क्वालिटीज होती हैं, बहुत से न्यूट्रिएंट वैल्यूज होते हैं। तो ग्रहण के दौरान यदि आप खाने पे तुलसी का पत्ता रखेंगे तो जो उसका सात्विक नेचर है वो मेंटेन रहेगा, मतलब उसमें बैक्टीरिया जो है वो जल्दी नहीं लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता रखें। तो फ्रेंड्स, ये कारण है कि ग्रहण के दौरान खाने के लिए मना किया जाता है।